फ्रेंड देखिए आपको दिखाती हूँ मैं पास से, अभी भी ये नहीं खुली है, पानी अभी इसके अंदर भरा हुआ है। देखिए रात के 8 बज रहे हैं और इस टाइम हम धुलाई करने लग रहे हैं घर में, पूरा घर के अंदर पानी। फ्रेंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब, आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। स्वागत करती हूँ कि चलो मेरे ब्लॉग में आपका, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं शाम को इस टाइम से 8 बजे से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज हमारे घर में बहुत काम फैल गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फैला है। मैं जहाँ मशीन लगाती हूँ वहाँ की नाली पता ना कैसे ब्लॉक हो गई है, और ऊपर से जितना पानी गिर रहा है वो सारा घर के अंदर भर चुका है। तो वो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड देखिए आपको दिखाती हूँ मैं पास से, अभी भी ये नहीं खुली है, पानी अभी इसके अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ सारे में ये देखो, इधर ही मैं मशीन लगाती हूँ, ये मेरी मशीन भी है। तो इधर ये नल है ना, इसमें फ्रेश पानी आता है, तो मैं इस टाइम मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो इधर ही लगती है। तो ये पता नहीं नाली कैसे ब्लॉक हो गई है, और ये देखो सारा पानी है, मैट वैट सब गीले हो गए हैं। ये देखो सामने अभी मैंने सारे में धुलाई करी है और ये पाइपर मारने लग रहे हैं, देखना ये देखो सारे में पानी भरा हुआ है, सारी धुलाई हो गई पूरे घर की। ये देखिए रात के 8 बज रहे हैं और इस टाइम हम धुलाई करने लग रहे हैं घर में, पूरा घर के अंदर पानी भर गया। तो अभी तो हमने कराई नहीं है क्योंकि प्लम्बर इस टाइम में कहाँ मिलेगा, तो हम कल बुला के जब उसको कराएंगे। तो ये देखिए पूरा हमारे लिए बहुत काम फैला हुआ है। देखिए फ्रेंड अभी ये पोछा लगा रहे हैं सारे में ताकि सूख जाए, गीला हुआ पड़ा है, अभी धुलाई करी, अभी सारा मैंने धोया था, इन्होंने पाइप पर पोछा लगा रहे हैं। तो अभी मैं बच्चों को बना देती हूँ मैं खाना, दोनों के दोनों खाना मांग रहे हैं अभी। तो अभी क्या बनाना है मेरे को, दाल चावल तो बने हुए रखे हैं, रोटी भी मैंने बना दी है क्योंकि बीच बीच में मैं काम खाना भी मैंने आपको जैसे बताया बीच बीच में मैं खाना भी बना रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो काम तो सारा कंप्लीट हो गया है, बस पोछा लगा दें काम ख़त्म, और मैंने भी रोटी बना ली और दाल चावल गए। तो अब मैं इनको खाना देती हूँ, हाँ अंडे की भुर्जी भी मुझे बनानी है, तो वो अंडे की भुर्जी बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए अंडे की भुजिया बनाने से पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ, बच्चों को दाल चावल दे रही हूँ, दाल चावल ही मांग रहे हैं वो, और कुछ नहीं लेंगे क्योंकि उनको भूख लग रही है। आज शाम को चाय के साथ उन्होंने कुछ नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी ट्यूशन से आके, बस सिर्फ खाना मांग रहे हैं। उनको दाल चावल दे देती हूँ, खाना खा लेंगे, और उसके बाद मैं अंडे की भुजिया बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। जरा देखना बच्चों को खाना खा रहे हैं, इतने ध्यान से कार्टून देख रहे हैं, आधा ध्यान इनको कार्टून देखने में, बंद कर दूं टीवी में नहीं। ये देखो कार्टून देखते देखते ये इधर चल रहा है, ये देखो टीवी चल रहा है इधर, और ये कार्टून देख रहे हैं साथ में, और जनाब खाना भी खा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं रसोई में, बाकी का काम कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, अंडे की भुर्जी बनाऊँ। फ्रेंड देखिए मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, तो इसमें तेल डाल देती हूँ, 3 अंडे की बनाऊँगी, और ये बना रही मैं बच्चों के मतलब की। तो इसके अंदर कुछ खास ज़्यादा मसाले नहीं, और सिर्फ मैं प्याज डालूंगी और थोड़े मसाले डालूंगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। फिर मैं बना देती हूँ, आप देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। सब लोगों ने खाना खा लिया है, और आज आपने देखा था घर में कितना काम कितना फैला हुआ। आज के ब्लॉग भी मैंने दिन में नहीं बनाया था,
और शाम को स्टार्ट किया था, काम भी साथ में मेरा हो गया और मेरी वीडियो भी बन गई। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।